दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दो दशकों पहले मुंबई में हिंदी भाषियों का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में आप अपना दल के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी हैं और आने वाले दौर में महानगर पालिका चुनावों को लेकर विशेष तैयारियों में जुटे हैं। इस वक्त स्वयं हमारे साथ महेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी वन इंडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अपना दल एक क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश से, जिसकी शुरुआत हुई, लेकिन कम समय में उसने एनडीए का हिस्सा बन गई और इस वक्त आप जो मोदी सरकार है उसमें बड़ी भागीदारी भी आपकी पार्टी निभा रही है। लेकिन जब अगर महाराष्ट्र पे गौर करें तो अपना दल महाराष्ट्र में उस तरह से विकसित नहीं हो पाया। अब आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, महाराष्ट्र में हम अंदर भीतर भर काम करते रहते हैं हमेशा। बहुत सारे मानखुर्द एरिया में और अंधेरी एरिया में काफ़ी काम किए हैं, मेंबर हम बनाए हैं। नई मुंबई में हमारे काम चल ही रहे हैं और हमारे जो कमेटी है आज देखिए, कोई इससे परे नहीं हो सकता है कि मतलब हर लोग समाज लेके चलते हैं, पहले अपने परिवार ले चलते हैं। तो हमारे परिवार में है कम से कम जो है, जिस परिवार से मैं हूँ उस परिवार में कम से कम हमारे जो है 10,000 मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, 10,000 मेंबर हैं। और भी एक मेंबर जो है कम से कम जो है उनकी हैसियत इतनी है कि कम जो है 200-500 लोगों का मतलब जो है इकट्ठा करने का उनकी हैसियत होती है। और अभी जहाँ तक सवाल है चुनाव नई मुंबई का, तो नई मुंबई चुनाव जो है हम पहले भी लड़ा चुके हैं, पहले पार्टी कोई ले आदमी मैं ही हूँ। तो हमें लड़ाए हैं, तो हम कुछ सीटें जो है थोड़े समय के लिए कुछ सीटें मतलब जो है कुछ 15-16 वोट से हार गए थे, 122 वोट से हार गए थे। लेकिन आज भी लोगों का कहना यह है कि एक बार मौका मिले कि महेंद्र वर्मा को हम लोग वोट लड़ाएं, हम उनको वोट दें। क्योंकि हमने जो कार्य किया है, हम उत्तर भारतीय होते हुए जो है जितने प्रांतियों के लिए जितने हमने यहाँ के पकड़ को अस्तो लिए, जितना हमने काम किया या उनको जगाया या उनका काम किया, मेरे ख्याल से यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बाद में जागे, लेकिन हमने पहले जगाया। वर्मा जी, एक चीज़ अगर देखें तो मैं जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे सामने नज़र आती है कि अगर आज से 20 साल पहले का अगर दौर देखें तो उस वक्त ऐसा था कि उत्तर भारतीय जो थे राजनीति में बहुत ही सक्रिय थे। और उस दौर में आप नेतृत्व करते थे, उस वक्त आप समाजवादी पार्टी में थे और उस दौर में आपने नेतृत्व किया। लेकिन उसके बाद से अगर देखें तो इन 20 सालों में आज आते आते ऐसा हो गया है कि उत्तर भारतीय इतनी बड़ी संख्या में है लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। वजह क्या आपको लगती है, क्या कारण है कि कोई नेता भी पैदा नहीं हो पा रहा? वो लोग नेतृत्व ढूंढ रहे थे और नेतृत्व मिल गया। हमारा जो जिला अध्यक्ष है नई मुंबई के आशीष गोस्वामी, और वो शिवसेना में थे, 12 साल की उम्र से राजनीति कर रहे थे, आनंद दिघे साहब के सामने से काम कर रहे थे, उनके साथ में चलते भी थे और नेहरू में जब जीवनी बॉम्बे आते थे उनके साथ में काम कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि मतलब जो है कि हमारे समाजवादी पार्टी अपना दल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, और उन्होंने अंदर काम अच्छे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और काफ़ी जो है उत्तर भारतीय उनसे उनकी मीटिंग होती है। हमारा मकसद ये हमेशा रहा है कि नई मुंबई हो या हिंदुस्तान हो, जनता के हित का काम होना चाहिए। इसलिए हमने अगर यहाँ से मैं 2-5 साल 6 साल गायब रहा तो हमने वहाँ पर कम 2,000 लोगों का जो 8,000 लोगों का मैंने इलाज करवाया, कम से कम 2,000 लोगों का एम्बुलेंस से मतलब फ्री सेवा उनको जो है बस्ती से गोरखपुर लखनऊ और आजमगढ़ सबको यहाँ लेके गया जो है फ्री ऑफ कास्ट में जो है। कितने लोग चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या दलित हो, जो भी हैं जिसकी बेटियों के मतलब पिताजी नहीं है, माँ भी मर गई है, उनके कोई नहीं है, तो मतलब कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और वो लड़की जो जवान है तो उसकी हमको जहाँ खबर मिला वहाँ तुरंत उनको बोला कि नहीं, जितना खर्चा था शादी में करवाता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली हिंदी भाषियों को सही नेतृत्व या उत्तर भारतीयों को सही नेतृत्व क्यों नहीं मिल रहा है? मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ पर पहले थे और उसके बाद आपने नेतृत्व और केंद्र में आप राजनीति करने लगे, लेकिन दूसरा कोई नेता अगर उभर के क्यों नहीं आ पा रहा है, उसके पीछे क्या वजह लगती है? क्या उत्तर भारतीय खुद नेता नहीं बनने देना चाहते या कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं अभी है जो उनका नेतृत्व कर सके? नहीं, उसमें कारण ऐसा है कि जो यहाँ के स्थानिक हैं उनके पास समय है
अच्छा, उनके पास जमीन है था, जमीन बेचे और समय था, रूम भाड़े दिए, उनके पास पैसा हर महीना आने का मतलब आवक उनके पास में है, और काम पे भी लगे हैं कुछ लोग जो है। ये परिवार में, हर परिवार में स्थानीय लोगों को मतलब एक दो परिवार मतलब खाली बैठा हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश में गेहूँ काटने बाद खाली हो जाता है, चक्की धान काटने बाद खाली हो जाता है, उनके पास कोई काम ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है स्थानीय लोग जगह समय होता है, और जो प्रांतीय होते हैं वो अपनी माँ बाप का सेवा करने लिए, अपनी बहन के शादी करने लिए, अपने पालन परिवार के पालन पोषण करने लिए वो यूपी से या मतलब बिहार से या कहीं से भी या केरला या कहीं से भी आते हैं, तो ताकि मैं यहाँ कमाऊँ तो पैसा वहाँ भेजूँ। इसलिए वो लोग वोटर हैं, मानने वाले बहुत हमको, लेकिन वो समय नहीं दे सकते हैं हम। अच्छा, हमारे पीछे नहीं घूम सकते हैं, जहाँ समय आएगा वहाँ पर वोट डालने चले आएंगे, लेकिन वो बोले कि मतलब जब हमें भीड़ जमा करना हो तो भीड़ में नहीं आ पाएंगे, नहीं आते हैं, उसका कारण यही है। और लोग समझते भीड़ से होगा, हम तो बोलते हैं भीड़ जमा ही मत करिए, खाली बस जो फॉर्म भरे, जो अच्छा काम भविष्य में किया हुआ है करने वाला छोड़ दीजिए, जो अच्छा भविष्य पहले काम जनता के हित का काम किया है, कुछ भी समाज सेवा काम किया है, तो उसे क्या चाहिए, बैलेट पेपर जो है घर पे चिपका देवे सरकार या नहीं महानगरपालिका चिपका देवे। हमने पहले मांग किया था, हमने जो मीटिंग में चुनाव था इसके पहले चुनाव था महानगरपालिका का, हम बोला भाई परमिशन लेके होल्डिंग क्यों, नुकसान क्यों करने का, जिसने पहले काम किया है उसको जनता वोट देगी, सबके घर पे जिसका चुनाव चिन्ह फाइनल हो गया सबके घर पे सरकार बैलेट पेपर चिपका देवे है, उल्टा कैंडिडेट को किसी घर जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाता है ना, जैसे आज लॉकडाउन हो ना, उनको लॉकडाउन करना चाहिए कैंडिडेट को, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है तो उसको जनता वोट देगी, किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जो 5 साल काम किया वहाँ जाएगा, देखते नहीं है आप जो है सिडको ने यहाँ बसाया नहीं मुंबई को, सारे गटर नाले उसने बनाए सिडको ने, नई मुंबई में बनाना लायक, नई मुंबई महानगरपालिका बनाने लायक था क्या, क्या काम था, कुछ काम नहीं था जो है, काम कहाँ है, दहशत मोदी वाकलन जो है अभी मतलब बगावत किए थे, वापस शायद मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया है, कुछ बड़े लोग ने हमको जो है गुमराह कर दिया था, और हम चाहते हैं माननीय महानगरपालिका हो जावे ताकि हमारा भविष्य सुधर जावे, काम वहाँ पर है, यहाँ पर देखता हूँ ये साल गटर बना अगले साल फिर थोड़ा ज्यादा है, जबकि कोई भी आरसीसी काम 65 साल का मियाद होता है, पहले 99 साल तक 65 साल की मियाद होता है, लेकिन आज जो है गटर जो है साली भर की मियाद में टूट जाते हैं, 2 साल में टूट जाते हैं, क्यों, क्योंकि लोग रेती में सीमेंट मिलाते हैं, यहाँ सीमेंट में रेती मिलाते हैं, क्योंकि नहीं मुंबई हो नहीं मुंबई हो, बसाया किसने, प्रांतीय उत्तर भारतीय में बसाया, मुंबई देखा ना जाए ना, जब मैं आया था 1981 में तो बांदा में 200 मीटर जमीन मिलता था, कितना बंगलो प्लाट नहीं है, 200 मीटर मिलता था, 500 मीटर जो प्लाट मिलता था, और 80 फुट फ्लैट मिलता था अंधेरी अंधेरी साइड में जो है। तो अभी बताइए कि अभी कितना विकास हुआ, जब लोग पाटते गए उत्तर भारती, पाटने का उनका अच्छा, सरकार भी जानती है इनको पाटने दो, इनको पाटने तो बनाएंगे, जब पाटेंगे तो खाड़ी पड़ जाएगी, तो फिर बाद में हम वहाँ पे जो है पुनर्वसन करेंगे, मतलब हर दर्जे का भ्रष्टाचार है, हर दर्जे भ्रष्टाचार है। अभी आप देखें ना, मतलब एक छोटा सा भैया, तो अब आप बोले काम करने के लिए, इतना भ्रष्टाचार मैं क्या काम करूँ, अभी आप देखें 1,73,00,000 में बिना टेंडर काम दिया गया था महानगरपालिका का 200 बेड का, हमने आपदा फैसला लिया, उसमें नगर अधिकारी सस्पेंड हो गए, आयुक्त ने बोला कि मैं उसमें था ही नहीं, मैं तो ट्रेनिंग गया था, डॉक्टर प्रेम सिंह मीना थे, अब उसका जब टेंडर हुआ तो कितना मात्र 66,00,000 में हुआ, कितना फायदा हुआ, 1,00,00,000 जो है करीब 13,00,000 का फायदा हो गया। अब अगर हम 1,13,00,000 के लिए मैं अपना फैसला कर सकता हूँ, तो आप सोचिए नई मुंबई महानगरपालिका हमारे अगर चुनाव लड़ेंगे, नगर सेवक रहेंगे, तो हम जो है कितना अच्छे, कितना सिस्टम से हम काम करेंगे। और चूंकि मैं बिल्डर लाइन का भी हूँ, यस यस, और नई मुंबई हमारे सामने बसा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आने वाले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, 2 से 3 महीनों में मार्च के तकरीबन चुनाव होने हैं महानगर पालिका के, अपना दल की जो तैयारी है नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर कैसी है, और क्या कितने सीटों पर, 111 सीट है तो कितने सीटों पर अपना दल जो है अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हमारे जिला अध्यक्ष का जो प्रस्ताव आया है, हाँ, जो कैंडिडेट का प्रस्ताव आया है, तो 46 कैंडिडेट का प्रस्ताव आ चुका है, और बाकी हमने आगे कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमने कहा क्या कहा है जिला अध्यक्ष को कि हम पहले, हम एनडीए के समर्थक के हैं, पहले हम छोटी पार्टी हैं, और हमारा बहुत मजबूत
कैडर नहीं है। संगठन साथ में हम गठन मतलब गठबंधन हमारा है इंडिया साथ में, तो हम पहले कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमें लड़ना भी है, हमें पार्टी का विकास भी करना है, आगे बढ़ाना भी है, और अगर हम नहीं लड़ाएंगे तो हम देश का हित कैसे कर सकते, नहीं मुझे हित कैसे कर पाएंगे। आप देखिए चाहे सीट को या महंगा पहले आप देखते भ्रष्टाचार कितना चल रहा है चरम सीमा पे है। तो अगर हम एनडीए के गठबंधन के साथ में हैं तो हम पहले वहाँ बोलेंगे भाई जहाँ हमको 46 नहीं लड़ाना है वहाँ हम कहेंगे हमें जो है 10-11 सीट दे दीजिए। अगर 10-11 सीट देते हैं और समझौता करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें भी का दो सीट का आगे पीछे होता तो भी हम मानने तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमको बोलेंगे हमें अपना दल का कोई जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में यहाँ कोई मतलब नहीं है, जिसे पनवेल महानगर पालिका में हुआ था कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म बनता है, हम इंडिया का गठबंधन हम नहीं लड़ा रहे हैं, हमारा धर्म बनता है। लेकिन नई मुंबई हमारा मेन घर है, हमने यहाँ से 84 से लेकर लगातार समाज सेवा किया है, और चाहे झोपट्टी इलाका हो या कहीं भी हो हर जगह काम किया है, फिर थाना जिला में आदिवासी इलाके में काम किए हैं, तो अच्छाइयाँ कहीं नहीं जाती हैं। बिल्कुल, तो जनता के मांग है कि महेंद्रमा के नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है। मैं नहीं लड़ा रहा हूँ, जनता खुद बोल रही आपको लड़ाना पड़ेगा। यस यस, हाँ, इसलिए जो है अभी 46 सीट हम जो है पहली बार लड़ाएंगे। अगर कैंडिडेट बढ़ते गए तो बढ़ने दीजिए ना, अगर 110 आते 10 ठीक है, दैसर मोदी उसमें आ गया और आकलन आ गया तो भी 112 हो जाएगा जो है, तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम लड़ाएंगे, हमारे दीघा बहुत काफ़ी मजबूत है। दीघा में जो है हमारा 16 वोट से हारे थे कुछ चुनाव, नेरूर में 122 वोट से हारे थे। तो पार्टियाँ पहले कई कोई नहीं, आदमी मैं ही हूँ। क्या मुद्दे होंगे खास जो अगले चुनाव में अपना दल उठाएगा? मुद्दा हमारा खास यही होगा, सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त नई मुंबई होना चाहिए, 21वीं सदी का सबसे सुंदर शहर होना चाहिए, और नई मुंबई के आसपास जो है इसका परछाई देख करके, जब हम उसको सुंदर बनाएंगे इसका परछाई देख के, बगल के जो रायगढ़ जिला है, थाना जिला है, सब जगह यहाँ पर हमारे थाना जिला में तो 7 महानगर पालिका है, तो जब एक देखी देखा काम होता सब काम होता है। लेकिन तो, नई मुंबई के बारे में तो वैसे ही बोला जाता है कि नई मुंबई तो सबसे खूबसूरत शहर है, भारत का दूसरा सबसे रहने लायक शहर बनाया गया। जितना यहाँ पर फंड होता है महानगर पालिका में उसका 10% खूबसूरत नहीं है। अच्छा, फंड के हिसाब से देखा जाए ना, और जितना लगना चाहिए उस हिसाब से 10% खूबसूरत नहीं है। 10% मैं मानता हूँ ना, उसके आगे नहीं जा सकता जो है। खूबसूरत किसे कहते हैं? एक आप कश्मीर चले जाइए, गार्डन कैसा होता है, फूलों से पूरा भरा रहता है। आज हम कश्मीर लायक भी नहीं है, कश्मीर में बर्फ बर्फ गिरा ले, हमेशा बर्फ नहीं गिरती ना, गर्मी महीना में जो मतलब जो है जाओ तो वहाँ पर जो है देखो हरा भरा रहता है, ऐसा कौन सा वहाँ पर जो है गार्डन है, कैसे क्या है, आज तक ढंग का डंपिंग ग्राउंड नहीं हो पाया है। जेठी निमाड़ खाली जो है हमने प्रस्ताव रखा था, जेठी निमाग लिए मच्छी मांग लिए आंदोलन किया था, महेंद्र मन सर पे बांधा कफन, बंद करो पकल गस्तों का दमन, गेट सीट को गेट पे जिट्ठी निमाग लिख किया था, 200 कितना 65 करोड़ रुपया पास हुआ था, 75 करोड़ पास हुआ था, और आज जिट्ठी निमाग कहाँ बना बराबर जो है, खाली इसे बस थोड़ा सा सीमेंट से लगा देने से नहीं होता ना, जिट्ठी निमा भी सुंदरता उसकी होनी चाहिए। ये फिशिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय है, ये अपना जो है, बल्कि किसान को अभी तक उद्योग दर्जा नहीं मिला, लेकिन मच्छी को फिश को उद्योग दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सब क्या चल रहा है आजकल, लोग मजबूर हैं, नाके पर मच्छी कुलावत ला के बेचने में हम मजबूर करते हैं। आज अगर यहाँ पर अच्छे से जिट्ठी निमा हो तो यहाँ के कोली समाज क्यों जाएंगे कुलावत मछली लाने के लिए, दादा से मछली क्यों लेके आएंगे, तो इसका आज यहाँ पर जो है उसका अभाव है। जिट्ठी निमा शुद्ध बड़ा जहाज नहीं आ सकती है, तो अगर बड़ा उनकी जो है वो बोट मतलब जो है आवे अंदर तो सीधा ये समुद्र में जाके मच्छी मार सकते हैं। दीवाला साइड में मतलब है कुछ, लेकिन ये पूरा पट्टा जो कोकम पट्टा जितना है ये सब जो है कोलियों का गढ़ है, कोली समाज गढ़ है, तो वो क्या खाएंगे? अलीबाग तक जमीन एक्वायर हो गई है, जमीन तो खत्म हो रहा है, तो इनके मच्छी मार चला गया और खेती चली गई, तो कम से कम जहाँ पर उनको व्यवसाय मिलना हो वो होना चाहिए। खाली माइक पे भाषण करने से कुछ नहीं होता है, खाली किसी पर कहीं रोड पे मतलब थोड़ा सा मतलब प्लास्टर कर दिया, मतलब डामर डाल दिया, उसमें नाम रख दिया, नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, काम से होता है। वर्मा जी, जो महाराष्ट्र में अभी सरकार चल रही है, आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ सरकार बनी है, और भाजपा मेजॉरिटी में आने के बावजूद भी शिवसेना के वो हाशिए पर चली गई, आप इस सरकार को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए इसके भविष्य को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए भविष्य जो है सरकार का है ना, तो जो
पहला सरकार भाजपा सरकार थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और केंद्र से लेकर यहाँ तक मैं बोलूँगा जो है कि लोगों को माननी पड़ रहा है। आज देखिए, मैं अब छोटे नहीं मानने के लिए हम आए हुए हैं, किन बातें है? किसान आंदोलन चल रहा है ना, किसान में जो है कम से कम जो है ऐसा होना चाहिए, थोड़ा भाजपा भी गलती है, सरकार गलती होती है। और गलती क्या है कि जैसे आप किसान के लोग कमेटी के हैं, उनको बुला लीजिए जो विरोधी पक्ष में है, जैसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो चलने फिरने लायक है, मुलायम सिंह का विमान नहीं है तो उनको है, ऐसे लोग जो है किसान है के नेता जो है यदि देवगढ़ साहब अगर चलने लायक उनके हैं, तो जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं जो ऐसा लगता है कि भाई ये न भाजपा तरफ रहेंगे ना किसान तरफ रहेंगे, जो अच्छाइयाँ हैं इसमें क्या बदलाव होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ करके एक मीटिंग लेना चाहिए, एक मीटिंग खत्म कर ले। ये तमाशा हो रहा है, चाहे सरकार तरफ से या किसान तरफ से, किसान तमाशगीन बन चुका है और सरकार तमाशा देख रही है। तो ये चीज तो समस्या जस की तस है, समस्या जस की तस है। इसका मतलब क्या है, रोड बंद जाम भरे हुए हैं, हम भी आंदोलन किए हैं, समय एक जैसे आंदोलन किए, काम पास हो गया, हमको सर्टिफिकेट मिल गया, भाई काम हुआ, खत्म होगी बात जो है। हम भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं। बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात कही कि जितना यहाँ का बजट तकरीबन 3,3200 करोड़ का ये बजट यहाँ पर है, जो प्रस्तावित बजट होता है, इतने बड़े बजट में सही बात है कि जितने जिस तरह का विकास होना चाहिए, जाहिर सी बात है वो नहीं हो रहा है। तो आपका कहना क्या सीधे तौर पर यह है कि जो भी लोग यहाँ पर सत्ता में रहे हैं उनके जरिए भ्रष्टाचार हुआ है, कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है? साहब, जहाँ तक है प्रशासन नहीं है, ये मेन जिम्मेदार होता है। प्रशासन अगर अपने पास जावे ना, एक हवलदार अगर अपने पास जावे तो एक सांसद क्या कर लेंगे उनका? अगर सच्चा है, अगर हवलदार ईमानदार है तो नगर मतलब सांसद उनका क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल। आजकल एक लेखपाल तलाठी, एक तलाठी अगर ईमानदार है तो आमदार क्या कर लेगा? मेन बात ईमानदार बेईमान का जो है, हमारे अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे देश में ईमानदारी लगभग जो ना, मैं जानता हूँ कि अभी 20% मतलब 80% मतलब ईमानदार लगभग हो चुके हैं, 20% खाली बचा हुआ है। कितने जमीन साइन करवा के हड़प लेते हैं। तो आज तक क्या जो ये चल रहा है ना, इसमें अभी 20% है। आखिरी दो सवाल मेरे हैं आपसे। एक तो ये कि अब महानगर पालिका में चुनाव की आपकी तैयारी है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 46 सीटों पर अपना दल जो है चुनाव की तैयारी करेगा, क्या आने वाले समय में अपना दल की इस तरह की कोई रणनीति है कि वो पूरे थाने जिले में फिर से नए सिरे से हिंदी भाषियों का, उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करे? आपकी पार्टी की क्या भूमिका है उसमें? सिर्फ हिंदी भाषी प्रांति नहीं है, हम मतलब मराठी भाषी, हमारे साथ मराठी भाषी, अभी मैं परसों में गया था जो है रिसा वाले मराठी भाषी 15-20 लोग मिले, बोले साहब हम पुराने आपका क्या करता है और हम अभी रिसा चला रहे हैं, हम आप हमको मौका दीजिए। संजय पावस्कर मन से चुनाव लड़े थे नगर पालिका का, और भाग करके आए हमारे पास में जो है, तो उनका मैंने नंबर लिया, हमारा नंबर लिए, अभी बोले कि साहब सेट 8 में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मराठी लोग हैं, प्रांति तो मतलब पकड़ लीजिए 25%, लेकिन 75% अब मराठी भाषी हमारे साथ में है। अच्छा, हाँ, और लिंग प्रांति है, क्योंकि मान लो मैं देखो, जब तक हम स्थानीय लोग नहीं रहेंगे ना, तब तक हम, क्योंकि मान लो मैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बैनर तले, अपना दल यश के बैनर तले, मतलब स्थानीय का भी मतलब काम हो और प्रांतीय काम हो, उनका हक हो, जिसको मौका कभी नहीं मिला हो अपना दल से आके चुनाव लड़े और उनको मौका मिले कि नगर सेवक बने। आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि इसी नवम्बई में पहले के सांसद आपकी ही पार्टी से सांसद रहे हरिवंश सिंह भी रहते हैं, इसी नवम्बई में अनिल कौशिक रहते हैं जो एक जमाने में ये सब डिप्टी मेयर रह चुके हैं, आपने इस नगरी का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे लगता है कि इस बीच में कोई भी ऐसा कोई प्रतिनिधित्व सामने उभर कर नहीं आया जिसके ऊपर हिंदी भाषी या परप्रांती गर्व करें कि ये हमारा अपना नेता है। तो आपको क्या लगता है, अपना नेता आखिर क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप सब लोग, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए साहब, अभी हरबंस सिंह का सपना था मैं एक बार सांसद बनूं, और सपना साकार हो गया, अपना दल से सांसद बने, सपना उनका साकार हो गया। अब उन्हें राजनीति से मतलब नहीं, व्यवसाय देखना है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में बहुत सारे गंवाए हैं, मान सम्मान सब कुछ गंवा चुके थे, लेकिन मैं जो है कभी मराठी तरफ से जो है, कभी प्रांतीय तरफ से जो है, गालियां उनको दोनों तरफ पाए हैं जो है, लेकिन उनको मतलब करीबन आज 65
66 साल को उनका 67 साल उम्र हो गया है, तब रिटायर भी टाइम हो गया ना, रिटायर आदमी 7 साल में रिटायर होता है 58 साल में, लेकिन हम लोग 67 साल में काम कर रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं, तो अभी उनको तो आराम करना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, जो हरबंस सिंह ने जो है जो समाज सेवा किया, जो लोगों की सेवा किया, हमको उनको वापस लोगों को वापस जगा करके और उनका प्रेरणा लेते हुए, हरबंस सिंह जी का प्रेरणा लेते हुए हम उनके पास जाएंगे, बाबू जी बाबू साहब अब जो है आप तो मतलब जो है अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरा उम्र अभी 56 लग रहा है जो है, अब अभी मेरा मार्गदर्शन 10 साल हमारे पास, एक दशक हमारे पास समय है, कम से कम जो है इसमें जो है लोगों को जो है जागरूक करना है और अच्छा जो है नई मुंबई का मतलब लेके चलना है नई मुंबई को। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को? हमारे कार्यकर्ता से ये संदेश देंगे कि आप लोग नई मुंबई के भविष्य के लिए आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़िए, आप काम करिए, कुछ लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग के पीछे रहेंगे, और सब लोग जो है जहाँ तक हो सके कि मतलब तरक्की करें, रोज़गार आगे बढ़ावें, बढ़े उनका, और सब लोग सुखी रहें और अपना नई मुंबई सुखी रहे, यही मैं उनको कहूँगा। कोई काम ऐसा गलत मत करना कि जो हमारे दाग पर मतलब दामन पर जो छीटे पड़ जाएँ, ऐसा कोई काम मत करना। हम बहुत बहुत थैंक यू आपका। ये थे महेंद्र वर्मा जी, अपना दल के महाराष्ट्र के प्रभारी और वरिष्ठ हिंदी भाषी नेता। लंबे समय से आपका जो अनुभव रहा है, आपने हमारी बातचीत में सुना भी होगा कि किस तरह से उन्होंने उत्तर भारतीय होकर भी यहाँ के स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों के लिए उन्होंने काम किया, तमाम नागरी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपने प्रयास किया। अब नई जिम्मेदारी के तौर पर अपना दल के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी के तौर पर आप नवंबर मनपा चुनाव में अपना दल को, अपने प्रतिनिधियों को आप उतारने की तैयारी में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आपका ये जो मिशन है, आपका जो संकल्प है, निश्चित तौर पे पूरा होगा। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।